हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसी ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल्स। उसमें हमने जनरल फॉर्म्स डिस्कस की थी और वैल्यूज पुट करके लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन हमने फाइंड की थी। जनरल फॉर्म हमारी क्या थी, आपको एक बार रिमाइंड करा देते हैं, ए एन एक्स पावर ऑफ एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर ऑफ एन माइनस वन प्लस ए एन x पावर ऑफ n माइनस टू प्लस n माइनस टू प्लस ए एन माइनस थ्री एक्स पावर n माइनस थ्री प्लस एंड सो। ये हमारी जनरल फॉर्म थी पॉलिनोमियल की। अब इसमें हमने n की वैल्यू 1 पुट करके लीनियर पॉलिनोमियल फाइंड की थी, n इक्वल टू 2 पुट करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड की थी, n इक्वल टू 3 पुट करके क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने फाइंड की। इसके बाद हम आज डिस्कस करेंगे मोनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोमियल, मोनोमियल्स, पॉलिनोमियल। मोनोमियल्स क्या होते हैं? मोनोमियल्स में हमारे पास सिंगल टर्म्स होगी, इट मीन्स एक सिंगल टर्म। फॉर एग्जांपल 3 एक्स स्क्वायर, ये सिंगल टर्म्स है हमारे पास, और एक्स पावर ऑफ 4, ये भी सिंगल टर्म्स है। तो ये मोनोमियल्स के हमारे पास एग्जांपल है। तो मोनोमियल क्या होता है, ओनली वन टर्म्स हियर इज कॉल्ड मोनोमियल। सेकंड बाइनोमियल, बाइनोमियल्स क्या होती है, बाइनोमियल्स के अंदर जो बाइनोमियल्स होता है 2, इसका मतलब है 2 टर्म्स हमारे पास होगी बाइनोमियल्स में। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3, 2 टर्म्स हमारे पास 1 एंड 2, और 3x स्क्वायर माइनस 2, ये भी हमारे इसमें भी हमारे पास 2 टर्म्स है, तो ये भी एग्जांपल किसका हो गया, बाइनोमियल्स। तो बाइनोमियल्स में देखिए प्लस माइनस में कुछ भी हो सकता है, तो बस खाली 2 टर्म्स होने चाहिए हमारे पास, तो बाइनोमियल, और 1 टर्म मोनोमियल। थर्ड ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल होता है 3, इट मींस इसमें कितने टर्म्स होने चाहिए, 3 टर्म्स, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, 3 टर्म्स 1 2 3 प्लस माइनस में हो सकती है हमारे पास। नेक्स्ट 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2, 3 टर्म्स हमारे पास 1 2 3, तो ये किसके एग्जांपल हुए, ट्राइनोमियल्स के एग्जांपल। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। फर्स्ट 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, सेकेंड y स्क्वायर प्लस रूट 2, एंड थर्ड 3 रूट 2 प्लस t रूट 2। तो वन बाय वन सॉल्यूशन देखिए। फर्स्ट 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। वेरिएबल आपको क्या दिखाई दे रहा है, ओनली सिंगल वेरिएबल x, सो एंड जो इसकी पावर है वेरिएबल की वो हमारे पास कितनी है, 2। इसमें इट मीन्स एक्सपोनेंट 2 है, तो डिग्री क्या होगी, 2 होगी, और वेरिएबल आपको क्या नजर आ रहा है, सिंगल। एक्सपोनेंट होल नंबर्स में इट्स एक्सपोनेंट इन होल नंबर्स एंड वेरिएबल is 1, और कौन सा वेरिएबल नजर आ रहा है आपको, x। एक्सपोनेंट जो पावर है वो होल नंबर्स में है और वेरिएबल क्या है, 1, सो इट इज 1 वेरिएबल, सो इट इज 1 वेरिएबल आंसर। सेकंड हमारा y स्क्वायर प्लस रूट
अब देखिए इस केस में एक्सपोनेंट हमारे पास होल नंबर्स में सेम केस x एक्सपोनेंट इन होल नंबर एंड वेरिएबल आपके पास क्या है यहां पर y एंड वेरिएबल इज 1 और वेरिएबल क्या है यहां पर y सो इट इज 1 वेरिएबल थर्ड पार्ट देखते हैं 3 root 2 प्लस टी रूट टू अब देखिए रूट का मतलब होता है पावर 1/2 तो हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं 3t/2 प्लस टी 2/1 क्योंकि रूट का मीन्स क्या होता है पावर हाफ अब देखिए इस केस में यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल हमारे पास टी है लेकिन इसकी जो पावर है वो होल नंबर्स में नहीं है फ्रैक्शन की फॉर्म में सो ये हमारे पास वन वेरिएबल का एग्जांपल नहीं होगा क्योंकि पावर्स जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर्स में होनी चाहिए तो ही वो वन वेरिएबल होगा हियर या फिर ऐसे लिख सकते हो आप इट्स एक्सपोनेंट इज नॉट इन होल नंबर so it is not one way that is answer